हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपी के तरफ से काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकला है आईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पे। तो इसी रिलेटेड में आप लोगों को ऑलमोस्ट आपका 3 वीडियो आ चुका। फर्स्ट वीडियो आप लोग का शॉर्ट नोटिफिकेशन था, देन एक दिन के बाद ही फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड आपको सभी डिटेल बता दिया गया है कि किन किन ट्रेड में आप लोग का वैकेंसी कितना निकला है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, एग्जाम डेट कब तक होगा वो भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दिसंबर में आप लोगों को एग्जाम ले लिया जाएगा, 16 दिसंबर में। इसके अलावा फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं बता दिया हूं फुल नोटिफिकेशन के वीडियो में। तो दो वीडियो वो हो गया। इसके बाद थर्ड जो वीडियो आया था वो आप लोग का आया था सिलेबस के ऊपर, जो आप लोग का नॉन टेक सिलेबस है। ठीक है, नॉन टेक आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, जिसमें 75 रहेगा आप लोगों का ट्रेड रिलेटेड एंड 25 रहेगा नॉन टेक रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और साइंस रहने वाला है। तो मैं उससे रिलेटेड यानी कि जो आप लोगों का नॉन टेक पोर्शन है उसका कंप्लीट मैं एक वीडियो ले आया हूँ, जिसमें टोटल आप लोग को चैप्टर वाइज में बताया हूँ हर एक सब्जेक्ट का। जीके में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, मैथ में किन किन चैप्टर से पूछा जाएगा, रीजनिंग से कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो आई होप सो वो भी आप देख ले होंगे। नाउ आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सा बुक का फॉलो करिएगा अगर आप ITI TO के पद पे भरने वाले हो फॉर्म को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहले मैं एक ओवरऑल आपको व्यू बता देता हूँ इस फॉर्म के बारे में, देन हम लोग इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले आप जान लो इंपॉर्टेंट डेट। तो ये अगर मैं बात करूँ, पहले तो फॉर्म कौन सा है सभी बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, एमपी की तरफ से फॉर्म निकला है। ठीक है, ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए, बट यहाँ पे ITI डिप्लोमा एंड अगर आप BTech की हो, डिग्री की हो, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि मेंशन करा गया है अप्लीकेशन फॉर्म में। तो अगर बात करेंगे वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है, तो TO के लिए, यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर। एजेंटेड क्लियर हो गया ना। बात करते हैं कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो 1 नवंबर से अप्लाई कर सकते हो, लास्ट आपका रखा गया 15 नवंबर तक। ठीक है, और करेक्शन तक आपको 20 नवंबर तक टाइम मिलेगा, कोई गलती होता तो 20 नवंबर तक उसको सुधार कर सकते हो। और एग्जाम डेट का बात करा जाए तो 16 दिसंबर को आप लोग एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका ये पोस्ट रहा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। वैकेंसी का बात करें 305 है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो ITI डिग्री डिप्लोमा आप लोग को मांगा गया है ट्रेड रिलेटेड। जिस भी ट्रेड में अप्लाई करोगे उसमें आप लोग को ITI डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एज का बात करा जाए तो 18 से लेकर 40 तक, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 विदाउट रिलैक्सेशन। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी ऐड होगा, जैसे ST SC वाले को 5 साल, OBC वाले को 3 ईयर, PWD वाले को 10 साल और यहाँ पे जुड़ेगा। और ये आपका क्रिशियल डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम जो एज मांगा गया और मैक्सिमम ये आपका होना चाहिए। तो ये हो गया, ये आपको पता चल गया। और ये आप देख सकते हो सीधी भी भर्ती होने वाला है और 20% सुविधा के आधार पर भी लेने वाला है। सीधी भर्ती 244 पोस्ट में होगा एंड एक जो आपका 61 पोस्ट है, 61 पोस्ट है, ये आपका संविधा के तौर पर लिया जाएगा। टोटल मिलाकर 305 वैकेंसी हो जाएगा। एंड अगर बात करें किस किस पोस्ट पर निकला है, तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो गया, इसका RSE वाला हो गया, मैकेनिकल वाला, फिर बात करेंगे हम लोग ड्रॉपमैन मैकेनिकल हो गया, ड्रॉसमैन सिविल हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इसके अलावा कोपा वाला हो गया यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया, फीटर का बात करेंगे, एक मैथ एंड ड्राइंग वाला आता वो है, एनस्टेनो का भी है, ठीक है, हिंदी वाला। तो ये आपका टोटल वैकेंसी है, ये आपका देख सकते हो 244 वैकेंसी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और संविधा के तौर पे 61 वही सब वैकेंसी है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप लोगों का क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो अगर देखोगे तो सब्जेक्ट आपको 2 रहने वाले, एक रहेगा ट्रेड रिलेटेड और एक रहने वाला आपका नॉन टेक वाला, जिसमें आपको साइंस, मैथ, GK, रीजनिंग एंड कंप्यूटर पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एंड अगर बात करेंगे ITI जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन रहने वाला, 75 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 मार्क्स रहने वाला है टोटल, ये चीज़ हो गया। तो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग को ये बताया था कि आप लोग को कौन कौन सा, जैसे मैं बात करूंगा भाई जनरल अवेयरनेस से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये वैकेंसी से पहले अगर मैं बात करूंगा तो 2016 में आया था और 2016 के बाद 2022 में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस से, मैथ से, रीजनिंग से, साइंस से और कंप्यूटर से। तो मैं उसी के पैटर्न पे और एक सारा का सारा चैप्टर आप लोग को बता रखा हूँ। तो अभी देख लो कि किन किन को बुक को आपको फॉलो करना है। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो
तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बुक आपका है जनरल नॉलेज 2022, आप इसको ले सकते हो। ये बेसिकली ऑथर का बात करें तो अरिहंत का आता है, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा स्पीडी का भी आता है करंट अफेयर के लिए, उसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर भी फॉलो करोगे करंट अफेयर के लिए, बाकी स्टडी के लिए। इसके अलावा और एक मैं बता देता हूँ आप लोग को, लूसेंट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लूसेंट भी फॉलो करिएगा तो ये भी काफ़ी अच्छा बुक है। ये किसी भी एक को अगर फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। देन बात करेंगे मैथ का, तो मैथ का आप आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है। अगर मैं बुक का नाम बोलूँ तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अगर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए एक आ जाता है आपका मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी आपका आर एस अग्रवाल का ही आता है। ये बेस्ट बुक है मैथ का, रीजनिंग का फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एडिशनल करूँ तो आपको क्या करना है ना, जो आता किरण पब्लिकेशन का आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि एसएससी के पैटर्न पे, रेलवे के पैटर्न पे ही पूछेगी, तो अगर आपको उसको पढ़ लोगे तो आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। साइंस का अगर बात करेंगे तो एक आपका अरिहंत का काफ़ी अच्छा बुक आता है, इंसाइक्लोपीडिया फॉर जनरल साइंस एंड जनरल कंप्यूटेशन, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड कंप्यूटर का बात करेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, जो कि प्रीति शाह और प्रदीप के आपका सिन्हा का होता है, तो इसको आप फॉलो करना। तो ये कुछ बुक्स हो गया जिसको आपको फॉलो करना है। एंड जैसे मैंने कहा, रीजनिंग में, मैथ में, जनरल अवेयरनेस में, साइंस वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में किस किस चैप्टर से, यानी कंप्लीट सिलेबस को मैं तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताया गया है। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आप जाओ यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सारे को देख लो। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल सिलेबस वन बाय वन करके, सभी ट्रेड का मैं टेक्निकल सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा, कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अगर आपको परचेज करना कोर्स तो आपको परचेज कर सकते हो। उसके लिए सिंपली क्या करना है, हमारे इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है एंड कोर्स को परचेज करके अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया गया है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। क्योंकि एज यू नो दैट अभी आप लोग का अगर मैं बात करूँ अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर है, क्योंकि दिसंबर 16 में आप लोग का एग्जाम ही होगा, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि दिसंबर 1-2 तारीख तक ही कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपको 10-15 दिन टाइम मिल जाए रिवीजन करने का। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप डिटेल पर अगर आप पता कर सकते हो कोर्स के बारे में। हर एक ट्रेड का निकलता है फी, मैं आपको बता देता हूं, फी जो रखा गया वो मात्र 2000 रखा गया, ठीक है। और ये 2 रखा गया, अभी हम लोग दे रहे हैं 1500 ऑफ। इसका फी अगर बात किया जाए तो 3500 है, लेकिन अभी हम लोग 1500 रुपये आप लोग को ऑफ दिया जा रहा है। ओनली आप 2000 में कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हो पर ट्रेड वाइज, हर एक ट्रेड का 2000 में आप ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलने वाला है, मतलब 75 जो टेक्निकल रहेगा ट्रेड रिलेटेड एंड 25 जो नॉन टेक्निकल रहेगा, दोनों का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारा का सारा कोर्स में सब कुछ रहने वाला है। तो जाइए फटाफट एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट एंड PDF वगैरह छूटे ना, चाहे वो जॉब रिलेटेड रहे, इसका गाइडेंस सीरीज आ रहा है, ये गाइडेंस सीरीज रहे, या फिर कोई वीडियो लेक्चर है। इसके अलावा फ्री में भी क्लास चलने वाला है, यूट्यूब में आने वाला है, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।